तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो आज का वीडियो छोटा सा ही वीडियो है, तो प्लीज़ पूरा देखिएगा। तो आज का वीडियो स्पेशल है डोसा को लेके, और मैं लाइफ में पहली बार बनाने जा रही थी डोसा। तो ये मेरी सिस्टर ने पूरी प्रिपेयरिंग कर रखी थी, बैटर इसका बन चुका है और इसमें से तो पता नहीं चलेगा, करछी से दिखाऊंगी मैं आपको। तो तवा मैंने चढ़ा दिया है, इसको रख देते हैं यहाँ बर्तनों के साथ धोने के लिए। चाय के बर्तन अभी हमारे धुले नहीं हैं सुबह के, और बच्चे लगे हैं अपनी छुट्टियाँ इंजॉय कर रहे हैं, और मुझे जुकाम हो रखा है। बच्चों के भी पेपर हो चुके हैं, तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं है तबीयत ख़राब होने का, कोई बात नहीं। अब सर्दी जुकाम हो भी जाए तो कोई नहीं। तो बाहर बहुत अच्छी धूप खिली है, और मेरी सिस्टर आई थी, तो मैं भले मुझे वैसे मैं सीख लेती यूट्यूब में देख के, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, अपने सामने कोई बना के दिखा दे और तो ज़्यादा ठीक होता है। यूट्यूब में फिर भी समझ में नहीं आता है। तो उसने ये पूरा बैटर रात को भिगा, मतलब कल रात को हमने डाल दिया था फर्मेंट होने के लिए। और आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है मैंने, और मैं फर्स्ट ट्राई कर रही हूँ। मैंने कहा चलो कैमरे में भी कैद कर लेती हूँ मैं। और मेरी जुकाम से आवाज़ ऐसी हो रखी कि नाक और गला ऐसे अजीब सा हो रखा है। तो फर्स्ट डोसा जो मैंने डाला, मैं कुछ ज़्यादा ही भयंकर वाली शेफ बनना चाह रही थी। मैंने इसको डाल दिया था बिल्कुल पतला सा, खूब बड़ा पतला, छोटा छोटा डालना था तो बड़ा फैला के डाल दिया। और क्या होता है ना डोसे में कि तवा सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर तवा सेट हो गया तो उसके बाद तो कोई दिक्कत नहीं, फटाक से बनते हैं, फटाफट से डोसे। लेकिन मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैंने कहा चलो आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं कि कैसी कैसी रही मेरे डोसे बनाने की शुरुआत। तो शुरुआत क्या थी कि इसमें थोड़े से जो ओपन पोर्स थे ना, तो मेरी सिस्टर ने कहा इनमें तेल डाल दे, तो तेल डाला, लेकिन हुआ मतलब हो नहीं पाया ये जैसा इसको निकलना चाहिए था ना, ये एकदम से चिपक गया। कितना मैंने इसको कोशिश करी, बल्कि ये फूकने लग गया बीच में से, पूरा क्रिस्पी हो गया, और खरोंच खरोंच के निकाला तब भी नहीं निकला। तो अंजाम कुछ ऐसा हो गया फर्स्ट डोसे का। तो और साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी बनाई है मैंने, क्योंकि मेरे बच्चे मैंने कहा ना फालतू की चीज़ें खाते ही नहीं है, उनको फाइनली रोटी सब्ज़ी तो चाहिए ही चाहिए होता है, चाहे इडली डोसा कुछ भी बना लो अदर फूड। और इसीलिए मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी बना के रखी है साइड में, क्योंकि मुझे इसके साथ रोटी भी बनानी है, कि एक एक डोसा अगर वो टेस्ट कर भी लेंगे तो रोटी भी बनानी पड़ेगी, मुझे पता है नौबत आएगी ही। तो ये था मेरा फर्स्ट डोसा, जो कि बिल्कुल नीचे से फूक चुका है और ये निकल ही नहीं रहा था। तो फाइनली मैंने इसको खरोच खरोच के निकाला, और ये डोसा ना खाने में इतना टेस्टी हो रहा था ना, और सच में मैं इसको ऐसे खुरच खुरच के, जो क्रिस्पी था जितना भी पूरा, वो मैं ही खा गई। तो फर्स्ट डोसा जो फूका हुआ था मैंने ही खाया और बच्चों को भी टेस्ट कराया। तो आदर्श को टेस्ट करवाने के लिए बुलाया मैंने, तो आदर्श को तो अच्छा लगा इसका टेस्ट। आदर्श ने भी मुझे लग रहा है एक ही तो दो डोसे खाए होंगे, लेकिन आपको दिखाती हूँ आगे वीडियो में मेरे छोटे बेटे का क्या रिएक्शन था डोसे को खाने के बाद। तो फटाफट से मैंने अब इसको धोने की तैयारी कर ली, पहले पैन को इसमें मैंने पानी डाल के अच्छे से इसको निकाल दिया, फिर तवा पूरा खुरच खुरच मतलब धो दिया विम बार से, और अब मैंने फिर से चढ़ा दिया है। और अब मैं अपनी गढ़वाली ट्रिक यूज़ करने वाली हूँ, जो हम घर गाँव में लगड़ी बनाते हैं, मतलब मीठा चीला, गुड़ का बनाओ चीनी का बनाओ, कई जगह मीठा चीला बोलते हैं, कई जगह कसार बोला जाता है इसको। तो मैंने कहा नहीं, पैन पे पहले मैं थोड़ा सा तेल स्प्रे करूँगी, तेल लगाऊंगी, और उसके बाद ही मैं डोसा, मैं नहीं चाहती कि डोसे का बैटर वेस्ट हो गाइस। तो तेल लगाया मैंने, और अब इसके बाद मैं बैटर डालने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं इस वाले डोसे को। तो बैटर तो काफ़ी अच्छा बना है, और गलती ये हुई कि मेरी सिस्टर ने उड़द की दाल की बजाय इसमें मूंग दाल डाल दी मैडम ने, तो जिससे मैं सीख रही हूँ वो खुद ही वही भुलक्कड़ है। पर जो भी ये दाल तो डाले में तो अच्छा हो रहा था, मेथी का टेस्ट से काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था इसका। तो जो ये दूसरा डोसा है ना, ये बन गया हमारा परफेक्ट डोसा। तो ऑयल लगाया था, तो थोड़ा सा तवा भी मतलब धोने के बाद सही हो गया था, तो ये फर्स्ट डोसा जो है ना ठीक ठाक ही बन गया था। और मैंने अब ये पतला सा नहीं बनाया था, मैंने थोड़ा सा इसको मोटा ही रखा था, तो इसलिए मैंने इसको दूसरी तरफ भी सेका, हल्का सा ऑयल लगाया और दूसरी तरफ भी मुझे सेकना पड़ा, वरना जैसे पतले पतले डोसे बनाओ तो उसको सेकने की उतनी ज़रूरत पड़ती है नहीं। बट क्या करें, फर्स्ट टाइम था, तो चलो मैंने कहा यही चलेगा। तो दोनों तरफ मैंने हल्का सा दूसरी साइड भी सेक लिया, और इसको डाल दिया मैंने यूँ थाली में,
और बाकी देखते हैं बच्चों का क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि मैं तो हम डेली उसमें अपना हमारा सिंपल चटनी रोटी सब्जी रोटी जो गढ़वाली खान पान है वही चलता है, और ना मेरे हस्बैंड को पसंद आता है, ये सब खा लेते हैं लेकिन चाहिए फाइनली रोटी सब्जी ही चाहिए होता है हम सबको। तो ऐसी स्थिति में ना कभी बनाने का मन भी हो तो नहीं बन पाता है, तो इसीलिए मैंने मसाला डोसा को स्किप करा और आलू गोभी की सब्ज़ी अलग से बनाई। हाँ लेकिन मैंने मूंगफली और पुदीने की चटनी बना रखी इसके साथ, तो ऐसे ही खाया हमने आज का नाश्ता। तो ये बन के हो चुका है मेरा डोसा तैयार, दूसरा डोसा भी मैं देख रही हूँ और ये दिखने में डोसा लग ही नहीं रहा है, ये ऐसा लग रहा है कि लगड़ी ही होगी, मतलब कि मीठा चीला। तो मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, थोड़े से ज़्यादा क्रिस्पी नहीं बन रही है, पर चलो जो भी है फाइनली मैंने आज डोसा भी बना दिया है। और अब मैंने बनानी है एक दिन इडली। इडली मैंने एक बार ट्राई की तो थी, बट उस टाइम बच्चे छोटे थे तो उनको भी मतलब कुछ खास इंटरेस्ट था नहीं चटनी चुटनी में, तो मैं नहीं बनाती थी। अब बच्चे बड़े हो गए हैं, अब मेरा आदर्श देखना बिल्कुल स्वैग में खा रहा है चश्मे लगा के, तो नानी और दोनों के दोनों नानी के नाती बैठ चुके हैं डोसा इंजॉय करने में, और मेरी बहन ज़बरदस्ती वाह कर रही है, खाया भी नहीं इसने। और कुकू का रिएक्शन देखना, इसकी शक्ल देख के ऐसा लग रहा है इसने कड़वा करेला खा लिया हो। तो ये था मेरा आज छोटा सा वीडियो डोसे के साथ, मेरा फर्स्ट डोसा आपके साथ बांटा मैंने वीडियो। तो चलिए मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में, कुछ अच्छा खासा वीडियो बनाएंगे, कुछ होगा बनाने को। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और इनको बना के देती हूँ मैं रोटियाँ। ओके टाटा बाय बाय, टेक केयर, बाय।